नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो लेक्चर्स की सीरीज तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने सीमेंट जो विषय है अनुपयुक्त रसायन में, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें अपन सीमेंट का आदटन और कठोरीकरण, यानी कि सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, उसका अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि या अध्ययन किया कि सीमेंट जो है वो किन अवयवों से मिलकर बनता है, किन कच्चे पदार्थों से मिलकर बनता है, कैसे बनता है और उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो देखिए, सीमेंट का रासायनिक संगठन क्या है। इसमें एक तो 45% ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, 10% ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है और 25% डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है और करीब 10% टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट होता है और करीब 2% कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है और कुछ मात्रा में जैसे 4% जिप्सम और अन्य 4% पदार्थ होते हैं। तो ये पोर्टलेट सीमेंट का संगठन है, यानी कि उसका रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन है, जिसका कि निर्माण रोटेटरी क्लेन के माध्यम से होता है। अब देखिए, सीमेंट का आदटन और कठोरीकरण वो क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। तो सीमेंट का जो आदटन है यानी सेटिंग है, इसकी परिभाषा क्या है। प्रारंभिक जेल निर्माण से बने वास्तविक प्लास्टिक मिश्रण को यानी ओरिजिनल प्लास्टिक मास को, ओरिजिनल प्लास्टिक मास का कठोर होना ही सीमेंट का आदटन या सेटिंग कहलाता है। और कठोरीकरण क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थों के बनने से जो सामर्थ्य उत्पन्न होता है वह सीमेंट का कठोरीकरण कहलाता है। तो देखिए, ये प्रक्रिया कैसे होती है। सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो उसमें जल अपघटन व जल योजन, जल अपघटन का मतलब है हाइड्रोलिसिस, जल के माध्यम से टूटना, और जल योजन यानी हाइड्रेशन यानी पानी का जुड़ना, जल अपघटन और जल योजन की क्रियाएं होती है और सीमेंट में उपस्थित पदार्थ क्रिस्टल अथवा जेल के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। यानी सीमेंट के जो अवयव हैं वो पानी के संपर्क में आने पर क्रिस्टल अथवा जेल के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल या जेल में रेत कंकड़ इत्यादि कणों को बांधने की शक्ति होती है। यानी कि पानी के संपर्क में आने पर सीमेंट के अंदर अवस्थित पदार्थ या उसके अवयव क्रिस्टल और जेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जो कि रेत कंकड़ इत्यादि कणों के संपर्क में आने पर उससे जुड़ जाते हैं, उनको बांध देते हैं और ये पदार्थ धीरे धीरे समय के साथ ठोस होकर पत्थर का रूप जो है वो ले लेता है और फिर कठोर हो जाता है। जल योजन की क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस ऊष्मा को उदासीन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ठंडक की आवश्यकता होती है, इसलिए सीमेंट का उपयोग में जल योजन, जल अपघटन और शीतलीकरण के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। इसलिए सीमेंट का जब भी उपयोग किया जाता है और चूंकि इस प्रक्रिया में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो पानी की आवश्यकता 3 अवस्थाओं में होती है, जल योजन में होती है, जल अपघटन में होती है और शीतलीकरण में होती है। तो पानी जो है वो सीमेंट के उपयोग के दौरान अति आवश्यक होता है। सीमेंट के जो सेटिंग और हार्डनिंग है, कठोरीकरण है और आदटन है, वो 3 चरणों में होता है। पहली कहलाता है प्रारंभिक स्थापन, दूसरा कहलाता है अंतिम स्थापन और तीसरा कहलाता है कठोरपन। तो पहले अपन बात करेंगे प्रारंभिक स्थापन की, इनिशियल और फ्लैश सेट। सीमेंट में उपस्थित ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तेजी से जल योजन के कारण कुछ ही क्षणों में कठोर हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रारंभिक जमाव कहते हैं। सीमेंट में उपस्थित जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो जैसे ही पानी के संपर्क में आता है जल योजित होकर कुछ ही क्षणों में क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, इसे प्रारंभिक जमाव कहते हैं। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट जो है जल योजन होकर जेल व क्रिस्टल दोनों का निर्माण करता है। ये आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट जो है वो पहले तो बनाएगा क्रिस्टल और जेल, ये 2 चीजों का निर्माण करता है। प्रारंभिक स्थापन प्रारंभ होने के पश्चात उसे छेड़ना नहीं चाहिए, यानी कि इनिशियल सेटिंग होने पर आपको जो भी स्ट्रक्चर या ढांचा है उसको छेड़ना नहीं जब तक कि वो कठोर नहीं हो जाए। और इसकी गहराई जो है उसका पता लगाने के लिए प्रामाणिक सुई का उपयोग करते हैं ताकि आदतन कितना हो रहा है, सेटिंग कितनी हो रही है, उसकी जानकारी आपको सुई के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार बने क्रिस्टल अन्य कणों को घेर कर जल योजन की गति को धीमा कर देते हैं और प्रारंभिक जमाव की गति को मंद करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। तो देखिए, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसके साथ में पानी और जिप्सम मिलाने पर
कैल्शियम सल्फोन अम्लमेट बनता है जो कि पानी में अघुलनशील होता है और जिससे कि जमने की दर जो है वो मंद हो जाती है। उसके पश्चात आता है अंतिम स्थापन। तो अंतिम विस्थापन में समय के साथ साथ जैली सुकड़ती है जिससे कि पानी को सतह के अंदर प्रवेश कर अन्य यौगिकों से क्रिया करने का अवसर मिलता है। तो देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पानी से अभिक्रिया करके डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाती है और डाई कैल्शियम सिलिकेट पानी से अभिक्रिया करके फिर क्रिस्टल और जैल बनाती है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जल से बहुत मंद गति से क्रिया करती है, इस कारण सीमेंट में वास्तविक कठोरता और दृढ़ता काफी समय के बाद आती है, लगभग 28 दिनों के बाद। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है ये, इसकी जो पानी से क्रिया करने की दर है वो मंद गति से होती है, इसलिए सीमेंट में जो वास्तविक कठोरता है, जो हार्डनेस है या दृढ़ता है, उसको आने में समय लगता है 28 दिन। इसलिए जब भी अपन किसी ढांचे का निर्माण करते हैं तो उसमें लगातार आपको पानी की आवश्यकता होती है और लगभग 28 दिन तक उस ढांचे पर, उस स्ट्रक्चर पर आपको पानी का छिड़काव करना पड़ता है। आद्यतन के बाद में यानी सेटिंग के बाद में आता है हार्डनेस या हार्डनिंग यानी कि कठोरपन। सीमेंट में जल मिलाने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पादित होती है जो कि सीमेंट के साथ स्थापन में काम आती है। जल योजन के साथ सीमेंट के आयतन में वृद्धि होती है, यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब पानी अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि सीमेंट को स्थापित करने में, सेट करने में काम आती है और इसके आयतन में भी क्या होती है, जो है वो वृद्धि होती है। तो इस प्रकार तीन चरणों में सीमेंट की आद्यतन और कठोरपन आता है। पहले दो प्रक्रियाओं में तो क्या होता है, आरंभिक और अंतिम स्थापन होता है और उसके बाद में उसमें कठोरपन आता है और सारी प्रक्रिया में लगभग 1 महीना लग जाता है। इसके पश्चात देखिए अपन अध्ययन करेंगे कुछ विशेष सीमेंट का, यानी कि कुछ ऐसे सीमेंट जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, जिसमें पहला है शीघ्र कठोरता लाने वाला पोर्टलैंड सीमेंट यानी रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इसके लिए लाइमस्टोन की मात्रा अधिक होने से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा डाई कैल्शियम सिलिकेट से अधिक बनती है। तो देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या है, वो पानी से तुरंत अभिक्रिया करके स्थापन यानी कठोर होना या उसमें आद्यतन यानी सेटिंग होना शुरू हो जाता है, जबकि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो समय लेता है। तो अगर आप लाइमस्टोन की मात्रा अधिक रखोगे तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अधिक बनेगा किसके कंपेरिजन में, डाई कैल्शियम सिलिकेट से, जिससे सीमेंट तेजी से क्या होती है, कठोर होती है तथा इसका उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर कम समय में कठोरता प्राप्त करनी हो, और यदि अतिशीघ्र कठोरता लानी है तो अपन 2% कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। उसके पश्चात देखिए कम ताप उत्पादक सीमेंट, लो हीट प्रोड्यूसिंग सीमेंट। अगर आपको एक ऐसी सीमेंट की आवश्यकता है जहां तापमान अधिक ना हो निर्माण के दौरान, तो हम लो हीट प्रोड्यूसिंग सीमेंट का उपयोग करते हैं। इसकी जल योजन ऊर्जा कम होती है। टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेरेट वो डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कंपैरिजन में। इस सीमेंट का उपयोग जहां सीमेंट मोटी परत के रूप में प्रयोग किया जाता है वहां किया जाता है, जैसे कि परमाणु पावर स्टेशन, बांध इत्यादि। तो यहां पर जल योजन ऊर्जा जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है अपने थर्ड कैटेगरी की सीमेंट, जिसे कहते हैं जल अवरोधक सीमेंट, हाइड्रोफोबिक या वाटरप्रूफ सीमेंट। ये साधारण सीमेंट जो है पोर्टलैंड सीमेंट जैसी होती है, जिसमें कोई जल अवरोधक जैसे कुछ स्टेरॉइड्स या कुछ पेंटाक्लोरोफिनॉल मिला दिए जाते हैं, या उसमें कुछ अपन वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस जो है यानी कि पानी को विरोध करने वाले या जल प्रतिरोधी पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जिससे कि सीमेंट की संरचना आद्र वातावरण में भी क्या रह सके, स्थायी रह सके। यानी आपको वाटरप्रूफ चाहिए सीमेंट ऐसे वातावरण में जहां नमी लगातार रहती है, तो कुछ जो है रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस सब्सटेंस जो है वो ऐड कर लिए जाते हैं, यानी वाटरफोबिक सब्सटेंस जो है ऐड कर लिए जाते हैं। वो सब्सटेंस कौन से हैं, क्या तो स्टेरॉइड्स है या पेंटाक्लोरोफिनॉल है, ताकि सीमेंट जो है वो पानी से दूर रहे या पानी के प्रति उसका प्रतिरोध रहे। फिर देखिए सफेद सीमेंट, सीमेंट बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल में यदि आयरन ऑक्साइड पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो तो बनने वाली जो सीमेंट है वो सफेद होती है, परंतु ये क्या होती है, महंगी होती है। अतः संगमरमर, टाइल जोड़ने व सफेद व रंगीन फर्श बनाने में काम आती है, और शुद्ध सफेद सीमेंट चाइना क्ले से इसका निर्माण होता है। तो अगर यदि आपको सफेद सीमेंट बनानी है तो आपको आयरन ऑक्साइड का उपयोग नहीं करना होगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का उपयोग नहीं करेंगे तो ये प्रक्रिया जो है महंगी हो जाएगी और कुछ विशेष स्थानों में ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से सीमेंट का जो है वो आद्यतन और कठोरीकरण होता है, और ये मुख्य रूप से
तीन चरणों में होता है, जिसके तीन चरण जो है वो आपके सामने निम्न अनुसार है। पहला कहलाता है, जिसे कहते हैं अपन आरंभिक स्थापन, और दूसरा कहलाता है अंतिम स्थापन, और तीसरा है कठोरपन। तो इस चीज का अध्ययन आज हमने किया और ये समझा कि किस प्रक्रिया या किस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत सीमेंट जो है वो कठोर होती है। धन्यवाद।